हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। बिहार में पोस्ट ऑफिस के लिए कार ड्राइवर की न्यू वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये इंडिया पोस्ट के अंतर्गत आता है भर्ती। स्टाफ कार ड्राइवर ग्रुप सी का पोस्ट रहता है। फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब रहेगा, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये किस विभाग के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पहले ही बताई थी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहेगी। अप्लाई करने का जो डेट है ना, 13 अप्रैल से ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। लास्ट डेट 28 मई है। और हाँ फ्रेंड्स, ये एक ऑफलाइन वैकेंसी है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा। आपको पोस्ट के माध्यम से अपना भेजना होगा, जो फॉर्म वगैरह सब फिलअप करके। तो इसका जो नोटिफिकेशन है और अप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे जाइए, फॉलो कर लीजिए, डाउनलोड करके सारा कुछ समझ के और अपना पोस्ट सेंड कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि फॉर्म की फ़ी क्या रहेगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज़, एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और एक सर्विस मैन से यहाँ पर आपको कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। अब एज लिमिट की बात करें ना फ्रेंड्स, तो 18 वर्ष से 56 वर्ष के सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। अब खास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है बता देती हूँ। 10वीं पास जो भी बच्चे हैं, और साथ ही साथ उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हेवी मोटर्स का। एक्सपीरियंस कम से कम 3 वर्ष का तो होना ही चाहिए। आई होप कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, किन किन स्टेज से गुजरने के बाद आपका चयन होगा। 4 स्टेज टोटल रहेगा। पहले स्टेज पर रिटन एग्जाम होगा, सेकेंड पर स्किल टेस्ट, ड्राइविंग का टेस्ट होगा, थर्ड आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले कैटेगरी वाइज सीट की डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 17 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 9 सीट, एससी के लिए भी 9 सीट और एसटी के लिए 1, टोटल सीट 19 है। चलिए अभी हम लोग सिलेक्शन की प्रोसेस को डिटेल वे में समझ लेते हैं। पहले स्टेज पर आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो आपका इसमें ऑफलाइन एग्जाम होता है, 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 80 नंबर के लिए टाइम रहता है 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज भी आपको बता देती हूँ, जीके से पूछा जाएगा यानी जनरल नॉलेज से, रीजनिंग से, मैथ से और ड्राइविंग रिलेटेड। अब ड्राइवर के लिए पोस्ट आई है तो ड्राइविंग रिलेटेड आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। अब बारी है स्किल टेस्ट की। जब आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं ना, तो स्किल टेस्ट होता है। तो ड्राइवर के लिए ड्राइविंग का टेस्ट होगा 20 नंबर का, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। सिलेक्शन होगा तो सैलरी क्या मिलता है, चलिए मैं बता देती हूँ। जैसा कि पता है कि ग्रुप सी की पोस्ट है, शुरुआती सैलरी 19,900 यानी 20,000 से शुरुआत होगी। आफ्टर पर्स अलाउंसेस आपके जो सैलरी में बढ़ोतरी होती है, उसके बाद 63,200 रुपये आपकी सैलरी हो जाती है। अब आपको जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ऑफलाइन वैकेंसी है, तो आप सोच रहे होंगे कि किस पोस्ट के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन भर के भेज सकते हो। तो फ्रेंड्स, स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट दोनों में से कोई होना चाहिए। देखिए, 45 दिन का समय दिया गया है, तो 28 मई से पहले पहले किसी भी पोस्ट के माध्यम से आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अब आप किस एड्रेस पर सेंड करोगे, मोटा मोटी तौर पे बता देती हूँ, बाकी की सारी डिटेल्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, हार्डिंग रोड, वीरचंद पटेल रोड एरिया, पटना बिहार 84001, ये एड्रेस पे आपको भेजना है। बाकी की सारी जानकारी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके जरूर आप देखिएगा। आई होप कि इस पोस्ट के बारे में आपके सारे डिटेल्स क्लियर हो गए होंगे, आप कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।